आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे कि अब जैसे जो मैम ने शेयर किया अब यहाँ पर वो लोग भी बैठे हैं जो रिकवरी में थोड़ा आगे हैं वो लोग भी बैठे हैं जो पहली बार आए हैं वो लोग भी बैठे हैं जिनको कुछ दिन हो गए ट्रीटमेंट शुरू करें ठीक है तो इस प्लेटफॉर्म पे इस जगह पर आपको रिकवरी के हर फेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी ठीक है इन्होंने कहा सबसे पहले आए डिटॉक्स कराया घर चले गए फिर उसके बाद दोबारा ठीक है ट्रीटमेंट फिर भी पूरा नहीं हुआ फिर थोड़ा बहुत करके चले गए उसके बाद में फॉलोअप में गड़बड़ हो गई घर के कामों में बिजी हो गए जॉब में बिजी हो गए अब मुझे बताओ बीमारी डब्ल्यू एच ओ कहती है प्रोग्रेसिव है बीमारी ये नहीं देखती ये गरीब है ये अमीर है इसके पास पैसा है इसके पास जॉब है इसका घर परेशान है बीमारी सिर्फ और सिर्फ इलाज मांगती मतलब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना हम कर सकते ना आप कर सकते तो हमारे को ये चैलेंज जिंदगी भर रहेगा कि हमारी लाइफ में इशू क्या है और नॉन इशू क्या है अब इशू क्या है हमारे घर में हमारे लव्ड वन को एक दिमागी बीमारी है अगर वो रिकवरी में नहीं रहता तो उसकी डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगी प्रोग्रेस करती रहेगी अगर आप ट्रीटमेंट उसको नहीं देंगे उसकी बीमारी बढ़ जाएगी बीमारी बढ़ेगी तो जो सारे हमने लक्षण लिखेंगे वो लक्षण भी बढ़ेंगे और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे ही घर का एटमोसफियर रिलेशनशिप हर चीज खराब होगी ठीक है तो हम क्या हो जाते हैं चुनिया, ठनिया को बचाने के चक्कर में हमने रुपए खर्च कर दिए हमने क्या करा छोटे छोटे पंक्चर लगा दिए थोड़ी टेप कर दी फिर थोड़ा ठीक चले फिर ट्रीटमेंट में आ गए और हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक फुल प्रूफ बढ़िया सा रिकवरी प्रोग्राम है इसके हिसाब से चलो तो आप रिकवरी में जाते हो देखो हम कॉलेज में तीन साल देते हैं हम पढ़ाई के लिए तकरीबन पंद्रह साल जिंदगी के दे देते हैं कि पढ़ेंगे डिग्री मिलेगी कुछ बनेंगे ठीक है हमने वकेशन के लिए जाना हो तो दो दो महीने प्लान करते हैं होटल की बुकिंग करते हैं शॉपिंग करते हैं सब कुछ करते हैं यहाँ पर आप क्या प्लान कर रहे हो बताओ क्या प्लान कर रहे हो आप यहाँ पे यहाँ पे आप जिंदगी प्लान करने आए हो यहाँ पे आप अपना फ्यूचर प्लान करने आए हो पंद्रह साल जिंदगी के आपने पढ़ाई को दे दिए पढ़ाई तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है और जब जिंदगी की बात आई जब इज्जत की बात आई अपने रिश्तों की बात आई तब आप बारगेनिंग कर रहे हो सौदेबाजी कर रहे हो जॉब को अपने लव्ड वन के ऊपर रख रहे हो अब आज भी एक फैमिली ऐसे ही गई है कि जॉब है जी अच्छा वो थोड़े दिन जॉब पर लेकर गए नहीं चल पाया फिर वापस आ गए अच्छा फिर इस चक्कर में कि लीव नहीं मिलेगी जॉब पे अब दिमागी बीमारी का पेशेंट है अगर उसको कुछ दौरा पड़ जाता है जॉब पे वो दिमागी हालत में उस ऑफिस में कुछ कर देता है तो जॉब तो वैसे ही जानी है तो हम हमारी जो लिस्ट है ना एक बहुत बड़ी लिस्ट है हम फैमिलीज के अंदर भी और पेशेंट्स के अंदर भी जिसके सामने ये बीमारी बहुत छोटी पड़ जाती है और हम दिन रात यही बताना चाहते हैं ये बीमारी को छोटा ना समझो बीमारी को वैसे ही मानो जैसे कैंसर मानते हो कैंसर में तो फिर भी लोग साथ देते हैं कैंसर में तो आपके साथ भी करते हैं आपको अंडरस्टैंड करते हैं इस बीमारी में तो आपका साथ भी लोग छोड़ देते हैं इस बीमारी में सब कुछ खत्म हो जाता है तो अगर ये बीमारी आपके घर से नहीं निकली तो क्या होगा तो जब आप अपनी मर्जी से करने लग जाते हो, है ना हम हम रोज पार्ट क्यों करते हैं क्यों बोलते हैं जुड़े रहो, जुड़े रहो रहो, हम अपनी दर्द भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं, इट इज अ प्राइमरी क्रॉनिक फेटल डिजीज हमारे साथ आया था बीमारी की कंडीशन हमारे अंदर ही है और मरते दम तक रहेगी हम सिर्फ जैसे डॉक्टर भाटिया कहते हैं हम सिर्फ अंदर बीमारी को अरेस्ट करके रखा हुआ है हमने पकड़ के रखा हुआ है किसकी मदद से दवाइयों की मदद से थेरेपी की मदद से मीटिंग्स की मदद से रिकवरी प्रोग्राम की मदद से जैसे एक डायबिटीज की जो शुगर लेवल है उसको किसने मेंटेन किया हुआ है टेबलेट ने एक्सरसाइज ने स्ट्रेस कम लेने से मीठा नहीं खाना है तो ये हमारा एवरीडे चैलेंज है यहां पर कि यहाँ बैठना जरूरी हम हॉस्पिटल इसलिए आए हैं क्योंकि पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं ये क्या सवाल हुआ हाँ हाँ हम मानते हैं तो एक्सेप्टेंस हमारी फील्ड में बहुत बड़ा शब्द है इसको सुनना आसान लगता है इसको करना बहुत मुश्किल है अगर ये आसान हम तो कह ही नहीं रहे आसान है ना बीमारी का पेन संभालना आसान है ना ट्रीटमेंट का आसान है मगर प्रॉब्लम इज हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है ऑप्शन कोई नहीं है फिर अगर हम इलाज को सही तरीके से नहीं करते अपना दिमाग लगाते हैं कॉमन सेंस लगाते हैं तो फिर हम बार बार अस्पताल आते हैं अच्छा एक दिन आएगा जब फैमिली भी थक जाएगी तो हम यहाँ पे हर दिन अक्सर रोज मतलब ये सुनते हैं पेरेंट्स कई बार कहते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं ना अब देखी जाएगी जी साड़ी किस्मत ठीक है अब जब कोई ऐसी बात कह देते ना फिर दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता Because इसका मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए आपने हथियार डाल दिए नाउ यू हैडी कैन हेल्प यू तो जब हम आसपास सुनते मतलब हमें लोग इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है कि हम आपको रोज डरा डरा के बातें करें आपको खुद जवाब मिलेगा जैसे इन्होंने कहा है हाँ ना मतलब और बार बार आना अच्छा नहीं लगता पेशेंट को भी शेम महसूस होती है फैमिली को भी शेम महसूस होती है पेन हम तो यहाँ समझ सकते हैं बिकॉज़ रिलैप्स बीमारी का हिस्सा होता होता है होता है बट फिर हमारे को दोबारा उतनी हिम्मत करनी पड़ती है सो डिजीज नीड्स ट्रीटमेंट उसमें हम कोई नुकताचीनी कोई बारगेनिंग नहीं कर सकते तो अगर डॉक्टर बोलता है कि इसको दवाई की जरूरत है और आप डॉक्टर से दवाई के बारे में लड़ो तो इट डजन मेक सेंस मेक होती है क्या